NH-248 से पर स्थित प्रोचपुर नमक गांव में दोपहर बाद करीब 2 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से ज्वार बाजरे की पूलियों के अलावा ईंधन के रूप में इस्तेमाल होने वाले उपले व लकड़ियां जलकर राख हो गईं। हवा तेज होने के कारण आग की लपटें लगातार दूर दराज तक के इलाकों में फैलने लगी। मुख्य मार्ग के साथ घटना स्थल होने की वजह से वहां पर थोड़ी देर में ही लोगों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने पानी के टैंकरों से अपने अपने बर्तनों में पानी भरकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटों के सामने उनके हौसले बुलंद होने लगे। आखिरकार दमकल विभाग को मामले की सूचना दी गई और दमकल विभाग की 2 गाड़ियों ने प्रोचपुर नमक गांव में पहुंचकर कड़ी मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह से गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग भी करीब 15-20 मिनट के लिए पूरी तरह से बाधित हो गया। ग्रामीणों के मुताबिक आग ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइन में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी है। इस आग से किसानों को व महिलाओं को ईंधन के नष्ट हो जाने की वजह से काफी नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि भीड़भाड़ होने तथा दमकल की गाड़ियों को पहुंचने के बाद आग को काबू पा लिया गया, वरना काफी लंबाई तक फैली ज्वार बाजरे की पूलियों के अलावा आबादी में बने मकानों को भी आग अपनी चपेट में ले सकती थी, जिससे जान व माल का बड़ा खतरा हो सकता था। वहीं गांव के लोगों ने जिला प्रशासन से आगजनी के मामले में मुआवजे की मांग की है। आप देख रहे हैं नुहू से लियाकत अली की रिपोर्ट। खूबी खूबी जी, किस तरह से आग लगी है, कब लगी है? अभी लगी है, 20 मिनट हुए हैं, लगा आधा घंटा और तारन सु लगी है, भीड़ के है नहीं। क्या क्या नुकसान इसमें जल के हो गया है? सारी लकड़ी जलगी, कड़ भी जलगी, मुलक कुट्टी जलगी। कितने किसानों की यहाँ पे आध है मोहल्ले की, इस रेट गाँव का आध है गाँव की। कितना नुकसान है? नुकसान तो भूतिया रो है, हमें एक आध जल गई, 10,000 कड़ भी। प्रशासन से क्या चाहते हैं आप लोग? अब यहाँ कहाँ चाह, ये गरीबों को माल मिले। देखिए 11,000 वोल्ट की बिजली के तारों की लाइन निकल रही है और किसानों की यहाँ कड़ भी पड़ी हुई है, ज्वार की, बाजरा की, ये तार की शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और यहाँ कम से कम सैकड़ों किसानों की पूड़ियाँ पड़ी थी ज्वार बाजरे की, तो जल के राख हो गई हैं। बड़ा नुकसान है, उपड़ों के जो यहाँ बटे वटे बने हुए थे वो सारे फूक चुके हैं और सैकड़ों किसानों का बड़ा नुकसान हुआ है जान माल का। इप्रोजपुर नमक गांव में रोड के सहारे हम लोग भी यहाँ से निकल रहे थे, हमने देखा कि तारों में शॉर्ट सर्किट हो रही है, उसकी वजह से आग लगी और आग लग के वो या गाधे लगे हुए थे, जो कूंज लगे हुए थे उनके किसानों के बाजरा और ज्वार की पूड़ियों के, उसमें आग लग गए। प्रशासन को अब चाहिए कि एक तो खेती में बड़ा पहले से ही नुकसान है, इतना बड़ा इस गांव के किसानों के साथ नुकसान हुआ है, इनकी जान माल के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए मुआवजा देना चाहिए, जिससे इन किसानों की भरपाई हो सके।